देखिए, जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म बैकबोन है इकोनॉमी की। जम्मू एज वेल एज कश्मीर डिवीज़न टूरिज़्म डिपार्टमेंट का टूरिज़्म को यंगस्टर्स के लिए इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं हमारी पॉपुलेशन का अप्रॉक्सीमेटली 65% 35 ईयर्स से नीचे है। जब तक टूरिज़्म के बेनिफिट्स, जब तक टूरिज़्म के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, टूरिज़्म की ड्रिवन इकोनॉमी के इम्पैक्ट हमारे यंगस्टर्स को नहीं मिलेंगे, तब तक दिस सेक्टर विल नॉट बी इंक्लूसिव। सो देयरफॉर इसको और इंक्लूसिव बनाने में और हमारे यंगस्टर्स की स्किलिंग इम्प्रूव करने में और हमारे यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करने में टूरिज़्म सेक्टर में, पिछले कुछ दिनों से जम्मू में हमने होम स्टे वर्कशॉप किया है फॉर द लास्ट 3 डेज, एंड दिस वॉज इन कोलेबोरेशन। द आइडिया एंड द अटेम्प्ट ऑफ दिस वॉज टू इंश्योर दैट हमारे दूर दराज गाँव देहात के जो भी यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, हमारे यहाँ होम स्टे पॉलिसी है। आप जानते हैं कि हमारा एफर्ट ये है कि 75,000 होम स्टेज इस साल हमारा टारगेट है, वो बढ़ाएँ, बिकॉज दिस इज़ द 75th ईयर ऑफ आर इंडिपेंडेंस। तो इसको करने के लिए हमारे यंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ाना, नंबर टू उनकी स्किलिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है वो करना, एंड नंबर थ्री टू गिव देम द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन आर कंट्री एंड टू हैंड होल्ड देम इन द टूरिज्म डिपार्टमेंट टू इंश्योर दैट दे कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दोज विजिटर्स, दोज इनबाउंड टूरिस्ट्स, दोज टूरिस्ट्स फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे लगता है ये एक फर्स्ट स्टेप है। इसको आगे बढ़ चढ़ के कैसे अपस्किल किया जाए और इसको किस तरह से और यंगस्टर्स को, डिफरेंट यंगस्टर्स को जम्मू के दूर दराज, आपने देखा आज बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन यंगस्टर्स ने, 100 के करीब ऐसे हमारे यंग जवान बच्चे बच्चियां हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जिनकी अब आज हम सर्टिफिकेट कोर्स करा रहे हैं इनका और आज इनको सर्टिफिकेशन मिल रही है मेक माई ट्रिप से। आई थिंक दिस इज़ अ फर्स्ट इन दिस डायरेक्शन एंड वी विल ओनली गो फ्रॉम स्टेप टू स्टेप एंड स्केल इट अप इन द टाइम्स टू कम। थैंक यू। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि J&K गवर्नमेंट की तरफ से एक होम स्टे पॉलिसी 30 जून 2022 को इशू हुई थी, और इस पॉलिसी के तहत बहुत से जो लोग हैं हमारे, अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से बहुत से लोग जो हैं दे हैव कम फॉरवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज होम स्टे ओनर। तो बहुत से ऐसे भी हैं जो कि होम स्टे ओनर बनना चाहते हैं और यहाँ पे बिज़नेस भी करना चाहते हैं और इकोनॉमी को भी बूस्ट जो है वो करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा मकसद है जिसमें कि हमारा जो लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस हैं या लोकल क्विजींस हैं उनको शोकेस करने का एक नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए J&K टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक होम स्टे बिज़नेस वर्कशॉप जो कि आज क्लोज होने जा रही है 2, 3 और 4 जून को, ये 3 दिन की जो वर्कशॉप हुई है, इसमें जितने भी हमारे इंटेंडिंग होम स्टे ओनर्स हैं उनको पूरी जानकारी दी गई है किस तरीके से उनको फाइनेंस मिलेगा और किस तरीके से वो अपना जब ये होम स्टे बिज़नेस चलाते हैं उनको कौन कौन से गाइडलाइंस और कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो करना है, और किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी है वो भी टाइम टू टाइम चेक्स कर सकती है, और टूरिस्ट जो भी आए चाहे, और उसकी मार्केटिंग जो है वो जितनी भी मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू तो होगी होगी, उसके साथ साथ हमारा निधि प्लस पोर्टल है उसके थ्रू भी इनकी मार्केटिंग होगी, और जब टूरिस्ट आता है तो वो एक वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जो है वो करे, और जहाँ पे भी वो रहता है वहाँ पे वो हमारे ही J&K टूरिज़्म का एम्बेसडर बने और बाकियों को भी यही कहे कि वो डेफिनेटली जो है वो उन जगहों पे विज़िट करें, उस होम स्टे में विज़िट करें। तो मेरा जो बेसिक फोकस है और जो मैं अपील सबको करना चाहती हूँ वो यही है कि हमारे
जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट का हर एक जो शहरी है या जो ग्रामीण इलाकों में भी जो लोग हमारे रहते हैं उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो एम्बेसडर बने हमारे टूरिज़्म पोटेंशियल को बढ़ाने के, क्योंकि उनका बिहेवियर और उनका जो अतिथि को वेलकम करने का जो तरीका है वो एक रूट बनेगी हमारी होम स्टे बिजनेस में प्रोग्रेस की, और इसी से हमारा जो लोकल इकोनॉमी है वो तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ हमारा जो हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चाहे वो ऑफ बीट है चाहे वो अप बीट है, उसका जो मैसेज है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से आज आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे डिवीज़न जम्मू के, चाहे वो रूरल एरिया है चाहे वो अर्बन एरिया है, जितने भी अनएम्प्लॉयड बच्चे बच्चियां हैं उन सब को जो है कॉल करके यहां हमने 3 दिन की ट्रेनिंग दी है। और इस ट्रेनिंग के बीच में जो हमारे मेक माई ट्रिप की टीम है उन्होंने एज वेल एज जो हमारे बैंकर्स हैं इनकी तरफ से जितने भी कॉपरेशन हो सकती थी सारे इनके CEO साहब, जोनल हेड्स ऑल आए यहाँ, डिफरेंट जो मॉड्यूल्स थे उन पर ट्रेनिंग बच्चों को देगी। तो होम स्टे पॉलिसी के बारे में मैं ये बताऊं कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने ये ऐसी पॉलिसी लॉन्च की है कि जिसमें सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है कि बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जितने भी अनएम्प्लॉयड बच्चियां बच्चे हैं वो अपना रोज़गार जो है वो बड़े अच्छे ढंग से कमा सकते हैं, और इस पॉलिसी के तहत 1 रूम से लेकर 4 रूम तक जो है वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। 1 रूम भी हो 2 रूम भी हो 3 रूम हो अप टू मैक्सिमम 4 रूम्स विद अटैच वाशरूम टॉयलेट। तो इससे क्या होगा कि डिफरेंट जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको रहने की जो सुविधा है वो बहुत इजी मिल सकती है, एज वेल एज उनको जो लोकल यहाँ का कैज्यून्स है, यहाँ लोकल जो खाना है उनका भी पता चलता है कि यहाँ का कल्चर क्या है। यहाँ आप देख सक, आपको पता ही होगा कि पूरे डिवीज़न में मैक्सिमम हमारा डोगरी कल्चर है, और डोगरी जो कैज्यून्स हैं वो जो है वो टूरिस्ट को अगर हम प्रोवाइड करेंगे आई थिंक कि वो सबसे बढ़िया लेवल का कैज्यून्स है, बहुत अच्छा कैज्यून्स है, वेरी नीट क्लीन कैज्यून्स है। तो ये पॉलिसी के तहत जो है सब बच्चों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से ये वंस अगेन बताऊंगा कि जितने भी लोग हैं वो अपनी होम स्टे की रजिस्ट्रेशन करवाएं। एक बीच में और बताता चलूं कि बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि होम स्टे की रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत सी प्रॉब्लम हैं, लेकिन वो प्रोसीजर सारा हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, उसमें कोई भी किसी लेवल की कोई परेशानी नहीं है। वो होम स्टे रजिस्टर करवाने के बाद अगर उसके पास लोनिंग फैसिलिटी चाहिए, जैसे अभी जोनल हेड साहब ने आपके बताया कि कोई भी जो है वो मॉर्गेज की ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सिंप्लीफाई कर दी हैं, चाहे वो बैंक सेक्टर्स है चाहे वो अदर सेक्टर्स हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की तरफ से सब लोगों से यही मैसेज है, हम अपनी तरफ से सब लोगों को ये मैसेज है कि वो अपने होम स्टे जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करें, उसकी रजिस्ट्रेशन करें, लोन फैसिलिटीज लें और अपना रोज़गार कमाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम राजू शर्मा, मैं मचेल से हूँ। टूरिज़्म ने एक होम स्टे का सिस्टम शुरू किया, उसमें आप क्या कहेंगे? टूरिज़्म ने जो होम स्टे का सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, इन्होंने रूलर और अर्बन एरियाज़ में जो जहाँ की जैसे फार फ्लंग एरिया है, मचेल है, बाकी जगहें हैं जहाँ पे टूरिज़्म के साधन बड़ा काम था, इन्होंने वहाँ के लोगों को बुला के जो कैंपेनिंग जो चलाई है ये होम स्टे की, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागृत हों, और ये जो टूरिज़्म का इन्होंने यहाँ पे 90 वो लड़के जो बुलाए थे, मैं चाहता हूँ कि इनकी एक चैन बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टूरिज़्म होम स्टे के बारे में बताएं। तो इसमें लोन फैसिलिटी का भी इन्होंने सिस्टम रखा है, उसमें क्या कहेंगे? लोन फैसिलिटी का जो इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है, जे एंड के बैंक जो 10 लाख तक दे रहा है लोन, उसमें इन्होंने कुछ परसेंटेज रखी हुई है, तो वो भी हम जेके बैंक का भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ये काम किए। आप टूरिज़्म को क्या कहना चाहेंगे? क्या टूरिज़्म का तो हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लोगों के लिए ये फैसिलिटियां रखी हुई है। बाकी मेरा नाम राजेश दुबे है, मैं जोनल हेड जेएनके बैंक जम्मू का हूँ। तो ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने होम स्टे स्कीम लॉन्च की है, बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की है कि बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ होटल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है नहीं है, तो छोटे छोटे जो कोई घरों के जो जिनके पास स्पेस अवेलेबल है तो वो वहाँ पे एक छोटा एक कमरा या 2 कमरे में होम स्टे में वो अपने गेस्ट को रख सकते हैं और साथ में इनकम भी अर्न कर सकते हैं। सर कितने रूम्स होने चाहिए सर इसमें, मिनिमम और मैक्सिमम?
इसमें मिनिमम एक कमरा भी होगा तो तब भी उसको कहीं भी चार रूम मैक्सिमम है। और इसमें हम 10 लाख तक की इसमें लोन देते हैं और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा मिनिमम है, उसमें हमने कोई मॉर्गेज नहीं ले रहे हैं, कोलैटरल फ्री है एक किस्म का, उसमें एक मामूली सा एक कवर ले रहे हैं, CGTMSE कवर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना भी इसमें लोग पार्टिसिपेट करें, रूरल बैकग्राउंड के करें, अनएम्प्लॉयड यूथ करें, उसको फैसिलिटी मिल जाएगी कि वो अर्निंग एक वो बन जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बन। जैसे मोदी सरकार ने बोला है कि लोन मुद्रा लोन वगैरह भी आ रहा है, आज की डेट में बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इस लोन के लिए बैंक के इतने चक्कर तो नहीं लगाने पड़ेंगे सर? नहीं, वैसे किसी लोन के लिए नहीं लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस पब्लिक में कमी है, उसके लिए हम कैंप्स लगाते रहते हैं कि हमारे पास आइए, किसी भी चीज़ के लिए आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हम होती हैं उसके लिए भी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं कि उनको जितनी आसानी से, अपने भी हमने जो ब्रांच के प्रबंधक होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि किसी भी बेनिफिशियरी को दोबारा दूसरी बार चक्कर नहीं लगाना पड़े। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पे हम देने को तैयार हैं लोन।